हरियाणा में सियासत के खेल में एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा भारी रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र दीपेंद्र को राज्यसभा की देहरी तक पहुंचाने में वे तकरीबन कामयाब रहे हैं। दीपेंद्र की उम्मीदवारी के चलते भारतीय जनता पार्टी को तीसरे उम्मीदवार की घोषणा करने में बैकफुट पर आना पड़ा है, अन्यथा भाजपा ने देर रात तक तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रखी थी। दीपेंद्र का नाम गुरुवार देर रात फाइनल होने के बाद पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लिया। दरअसल भाजपा को यह उम्मीद थी कि यदि राज्यसभा के लिए कुमारी शैलजा का नाम आगे आता है तो हुड्डा समर्थक विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा को फायदे की उम्मीद जगी थी, लेकिन दीपेंद्र का नाम सामने आने के बाद 31 विधायकों वाली कांग्रेस भी एकजुट हो गई। अधिकतर विधायक हुड्डा के खेमे में आ गए हैं, साथ ही हुड्डा की सेंधमारी जजपा और निर्दलीय विधायकों के बीच भी थी। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले ही हुड्डा के समर्थन का दावा कर चुके थे, जिसके चलते भाजपा ने तीसरा प्रत्याशी उतारना उचित नहीं समझा। उधर नामांकन के दौरान शैलजा समर्थक विधायक भी दीपेंद्र के नामांकन में खड़े नजर आए। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की ओर से जजपा को तीसरी सीट का ऑफर था, लेकिन जजपा भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जिस तरह से जजपा में विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, उससे जजपा को भी क्रॉस वोटिंग का खतरा था। दादा गौतम और देवेंद्र बबली जैसे विधायक पहले ही अंदर खाते नाराज चल रहे हैं। हुड्डा खेमे में शैलजा का नाम यह कहकर कटवा दिया था कि एक व्यक्ति को दो पद नहीं देने चाहिए। शैलजा इस समय प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है, ऐसे में दीपेंद्र को प्रत्याशी बनाना चाहिए। नाम घोषित होने के बाद दीपेंद्र शैलजा को मनाने के लिए उनसे मिलने गए। बाद में शैलजा ने ट्वीट के माध्यम से दीपेंद्र को बधाई दी। कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा के हारे हुए मंत्री राज्यसभा की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन नामांकन के दौरान किसी की दाल नहीं गली। आलाकमान के दरबार में हाजिरी लगा रहे इन मंत्रियों को सीधे तौर पर नामांकन के लिए मना कर दिया गया है। जैसे ही मेरी टिकट का फैसला हुआ, सबसे पहले मैंने जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, उन्हीं के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.